जिले की पुलिस रिस्पांस व्हीकल को और भी चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए जिले के यातायात पुलिस अधीक्षक राम सेवक गौतम ने शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस में डायल 112 की टीम के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में तमाम तरह की चुनौतियां सामने होंगी, जिससे डटकर सामना करना है और आम जनता के बीच पुलिस की जो छवि है उस छवि को बरकरार रखना होगा। इसके साथ एसपी ट्रैफिक ने 112 में तैनात गाड़ियों के रखरखाव के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। एसपी ट्रैफिक ने पुलिस रिस्पांस व्हीकल टीम में तैनात उप निरीक्षक और होमगार्ड और आरसी को बताया कि इस समय महामारी का समय चल रहा है, इसलिए आप लोगों का प्रथम कर्तव्य बनता है कि आप लोग क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करें और अगर कोई पीड़ित है तो त्वरित रूप से इसकी सूचना अपने अधिकारियों को दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने कहा, आज 112 के जो पीआरबी के हमारे कर्मी हैं, कमांडर, सब कमांडर और पायलट हैं, उनकी गोष्ठी की गई और उनके जो है कार्यों के संबंध में समीक्षा भी की गई कि इनका रिस्पांस टाइम और बेटर हो और इनका स्किल ठीक रहे और इनका नॉलेज भी वृद्धि हो और साथ ही साथ कोरोना से बचाव के संबंध में भी इनको टिप्स दिए गए। चुनाव के दौरान इनको क्या कार्यवाही किया जाना है जिससे कि हमारा जो भयमुक्त और निष्पक्ष जो है चुनाव संपादित हो, तो वो माहौल तैयार करने में भी इनकी क्या भूमिका है, तो उस संबंध में भी इनको सभी को अवगत कराया गया और आम नागरिकों से अच्छे तरीके से जो है इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहे और जो समस्याएं आती हैं उनका जो है त्वरित निराकरण करें और इनका रिस्पांस टाइम भी बहुत अच्छा हो। हाँ, गाड़ियों के संबंध में भी जो SIMT हैं उनको बताया गया है कि उनकी जो रखरखाव है उसको भी ध्यान में रखें, जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी सुसज्जित रहें और जो उसमें कर्मी हैं उनको भी जो है देखते रहें जिससे कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं बिल्कुल ठीक तरीके से रहें।